चीज ही वही है जो आपको इस तरह पकड़ ले, आदमी आदमी को को भी भले को। तो अच्छा वो उसी फितने से फिर हमें मौका मिलता है कि हम इस्तला से पूरी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो ये वो सारी चीजें अच्छा मैं वो इकबाल की बात कर रहा था हम इकबाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं ना कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है तो जब उसकी वो बात करेंगे ना तो इकबाल के जहन में भी उस वक्त बांग्लादेश नहीं था मशर पाकिस्तान नहीं था क्योंकि इकबाल ने भी अपने खुतबा में जो जिस जो वो जो नार्थ ईस्ट में नॉर्थ वेस्ट में जिस स्टेट का जिक्र किया था तो वो शुमाल मगर में ना तो वो यही इलाका बन तो अभी जोग्राफिया एक हमें तो लगता है मुसीबत में फंसे हुए ना लेकिन असल में हमारी ये हमारे लिए यही तो अपॉर्चुनिटी है जी इधर आप अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं उधर ईरान के साथ जुड़े हुए हैं फिर ये जो नौ आज़ाद रियासतें हैं इनके साथ आपका कनेक्शन उधर वाखान से हो जाता है

पर चादर डाले हाँ। और कम अज कम आप, आपके लुक वाली हो जाए हाँ तो चले जाए पीछे बहुत से, तो नहीं, नहीं, से आवाज लगते ए, जो ए, करते न, वो जो नो में होते हैं जिसने पीछे मुड़ के देखा उसे बुला लेते ना पीछे के देखें वो समझेगा पठानी है जाने दो पहले तो ये था ना सारा तो खैर कहने का मकसद ये बिल्कुल खाब नहीं है इसके पीछे पूरा एक सिद्धांत है कि जिसकी वजह से अच्छा फिर आप ये सोचें यार पाकिस्तान का एटमी पावर बनना कोई मतलब कोई अजीब सी बात नहीं है मामूली बात तो नहीं है बिल्कुल मैं हर बंदा खाऊ ये आई बाकी में हर बंदा खाऊ कितने करप्ट महक में हाँ। है वसाइल कोई नहीं और हाँ। ये अमेरिका की मजबूरी ही क्यों बनी और सिर्फ ये नहीं है कि आपने एटम बम बना लिया मिसाइल टेक्नोलॉजी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी आखिरी बात नहीं है उससे आगे जो कुछ हमें नहीं पता मतलब आमतौर पर नहीं सामने आता ना कि वो जब आप एटमी वारफेयर पे जाते हैं तो सबसे बड़ी अहम चीज़ हो जाती है सेकंड स्ट्राइक ठीक है ये ये कैपेबिलिटी तो नामुमकिन में से होते हैं क्योंकि आप पर जब फर्स्ट स्ट्राइक हो गई कहानी एंड हो गई तो उसके बाद क्या रहा और असल में आप एग्जिस्टेंस के, के लिए यह जरूरी है कि आप... आपके दुश्मन को पता हो कि आप सेकंड स्ट्राइक कर सकते हैं कर सकते। अब ये बम बनाने से ज्यादा मुश्किल मराना आ जाता है सेकंड स्ट्राइक का तो ये तो अभी चीजें खुलेंगी नहीं अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर अमरीका आपका मुखालिफ हो दुनिया की सारी ताकतें आपकी एटमी टेक्नोलॉजी के मुखालिफ हो और वो महफूज हो तो इस पर कितनी वर्किंग हुई होगी और ऐसा मुल्क जहां पे कोई सगा अपने सगे का सगा नहीं है और वहां पे ये काम बड़ी खुलूस और इखलास के साथ लोगों ने किए हैं करामत या मुझे से काम नहीं करामत और मुझे से काम नहीं